हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो सॉरी कि मैं काफ़ी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ माय एग्ज़ाम्स। और अब से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। अभी सिर्फ मेरे दो एग्ज़ाम्स रह रहे हैं जो 23rd और 24th मार्च को हैं, बट वीडियो अपलोड करना मैं आज से ही स्टार्ट कर दूँगा डेली। सो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ मेरा चैनल देखें। सो मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं कि हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं, बेसिक वेबसाइट डिज़ाइन, नेविगेशन बार्स, टेबल्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें। और आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि हम पाइथन आज से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, कि हम पाइथन में बेसिक प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं और हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे प्रोग्राम्स बनाते हुए। और सबसे पहले हमें उसे बनाने के लिए हमें पाइथन डाउनलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हम पाइथन कैसे डाउनलोड करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे पाइथन में, विच इज़ हाउ टू ऐड टू नंबर्स इन पाइथन, और ऐसे ही सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये मैं आपको अभी सब वीडियो में बताऊँगा। और हम बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे, मींस अभी सिंपल प्रोग्राम्स होंगे जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एरिया ऑफ सर्किल, सिंपल इंटरेस्ट, पैलिंड्रोम, ठीक है। और जैसे ही हम धीरे धीरे एडवांस की ओर चलेंगे उसमें हम टिक इंटर सीखेंगे, टिक इंटर से हम बटन्स कैसे बनाते हैं, कोई हमें वेब पेज डिज़ाइन करना हो उसमें बटन्स कैसे लगाएंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैलकुलेटर कैसे बनाएंगे, फुली फंक्शनल कैलकुलेटर, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। चलो बहुत बात हो गई, अब हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पाइथन को डाउनलोड कर ली थी, ये देखिए मेरी यहाँ पे है, इसे मैं ओपन करूँगा। देखिए ये आइडल शेल है, ये ऐसा आता है। तो हमारे पास नंबर ऐड करने के भी दो तरीके हैं। एक तो बहुत सिंपल है कि आप कोई भी नंबर लो, सपोज करो हमने ए में दिया 20 एंड देन हमने बी में दिया सपोज करो 40, ठीक है। सी में हम इन्हें ऐड कर देंगे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। और अब हम जब ऐड कर देंगे तो हम प्रिंट कर देंगे सी। देखो एक तो ये बहुत सिंपल तरीका है, ए में हमने 20 लिया, बी में 40, सी में हमने ऐड कर दिया, फिर सी प्रिंट कर दिया, जो एडिशन आ गया 60। पर ये हमारे किसी काम का नहीं है, बस ये है कि हमें बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे तरीके से कैसे एडिशन करता है, जो प्रॉपर तरीका है करने का। तो सबसे पहले तो आप ऐसा कीजिए, अपनी कोई भी डायरेक्टरी में या डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लीजिए पाइथन प्रोग्राम्स के नाम से। उसमें मैं जो भी डेली प्रोग्राम्स बनवाऊँगा और जो प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा तो आप उसी में ही प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको इजी रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हम यहाँ पर गए फाइल, दिख रहा है आपको फाइल, फिर न्यू फाइल, ठीक है, ये हमारी न्यू फाइल आ गई यहाँ पर। अब एडिशन के लिए हम पहले तो दो वेरिएबल लेंगे हमेशा की तरह, जैसे एन लिया हमने, और जो नंबर्स होते हैं वे क्या होते हैं, इंटीजर, ये हो गया इंटीजर। अब हमें नंबर वैल्यू, वो नंबर को इनपुट करना है ना, तो हम इंट के बाद लिखेंगे इनपुट, ठीक है। अब इनपुट के बाद ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर, ब्रैकेट दोनों क्लोज, ठीक है। सेम अब हम दूसरा नंबर लेंगे m इज इक्वल टू, ये भी हमारा इंटीजर ही है क्योंकि नंबर है, और इसे भी हम इनपुट करेंगे, तो यहाँ पर इनपुट लिख दिया, ये ब्रैकेट है। अब यहाँ पर हम सेकंड नंबर लिखेंगे, एंटर सेकंड नंबर इज इक्वल टू, ठीक है। और जब हम ये कर लेंगे, अब हम इसके बाद यहाँ पर हमने दो नंबर इनपुट कर लिए, ये आप समझ लीजिए फॉर्मेट है नंबर इनपुट करने का। अब हमें इनपुट करने के बाद जैसे हमने पहले किया था, अब ये थर्ड वेरिएबल में लेंगे हम, सपोज हमने दिया p, क्या करना है हमें नंबर ऐड करना है, तो n प्लस m, जैसे हम ये ऐड करेंगे अब हमें ये p प्रिंट करना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट लगाया, और
लिखा आएगा सम। क्या अब हम क्या हमें प्रिंट करना है जो सम आएगा पी देन ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम पूरा हुआ, पर इसे रन करने के लिए हमें पहले प्रोग्राम सेव करना पड़ेगा। तो कंट्रोल एस देन आपको जहाँ भी सेव करना है, जैसे मैं फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और फाइल का नाम देता हूँ मैं ऐड। और याद रखिए जब आप फाइल का नाम देंगे तो आपको डॉट पी वाई लगाना है, ये पाइथन का एक्सटेंशन है। तो ऐड डॉट पी वाई देन सेव। ठीक है, अब ये सेव हो गया। अब हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये रन आ रहा है, रन रन मॉड्यूल। ठीक है, अब हम फर्स्ट नंबर यहाँ पे देते हैं सपोज 70, एंटर। अब ये सेकंड नंबर मांगेगा, सेकंड नंबर देते हैं हम 40। ठीक है, इनका सम हुआ 110। ठीक है, आए समझ में। और ऐसे करना है, अब सेम हम यहाँ पर ऐसा करता हूँ, यहाँ इक्वल लगाता हूँ। यहाँ पर अब हम सेम ये करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर मैं माइनस में कर दूंगा। कंट्रोल एस से सेव। अभी से रन करते हैं रन मॉड्यूल। फर्स्ट नंबर देते हैं हम 90, सेकंड नंबर देते हैं हम जैसे 67। और ये वो सॉरी यहाँ पे सम रह गया, यहाँ पे हम चेंज करते हैं सब्ट्रैक्शन। नाउ रन करेंगे हम इसे। फर्स्ट नंबर वुड बी 79, सेकेंड नंबर 53, और इनका सब्ट्रैक्शन आया हमारा 26। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है करना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए सेम प्रोग्राम बनाना है पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं आपको अपनी मेल आईडी देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेल आप करके पूछ सकते हैं। और मेरा वहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहाँ भी पूछ सकते हैं। और चैनल पर और भी वीडियोज़ हैं, अभी कम वीडियोज़ हैं क्योंकि बीच में गैप आ गया था वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड सब। तो आप वो भी देख लीजिएगा और मैं वो भी कंटिन्यू करूँगा, ये भी कंटिन्यू करूँगा, अब से रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई विल सी यू गाइस ऑन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।